तो ही गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस यार आज की जो वीडियो होने वाली है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैन के टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स, जो यार काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हो तो गाइस यार ये वीडियो आप थोड़ी भी मिस मत करना, क्योंकि यार ऐसे मैं टिप्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो कि यार काफी ज्यादा कम लोगों को ही पता होगी। तो प्लीज यार वीडियो का एंड तक देखते रहना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो बढ़ते हैं गाइस यार वीडियो की तरफ। सो गाइस यार सबसे पहली जो टिप है वो है गाइस यार अगर आप लोग अटैक करते हो तो गाइस यार ये टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप से आप गाइस यार इजीली, यार आपको पता है कि 3 मिनट अटैक टाइम होता है, तो उसमें गाइस यार आप लोग इजीली यार 2 मिनट में अटैक फिनिश कर सकते हो, 1 मिनट में अटैक फिनिश कर सकते हो। कैसे, मतलब ये समझो गाइस यार आप लोग फास्टली अटैक कर सकते हो। कैसे आपको अटैक करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यार ये भी समय मिला, तो इसमें गाइस यार हम लोग जैसे यहाँ पे अटैक करते हैं तो यार यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले गाइस यार आपको यहाँ पे नॉर्मल टूब्स क्या करते हो डिप्लॉय कर देते हो, तो उसके बाद से गाइस यार आप हीरोज को यूज़ करते हो जैसे आप अटैक करते हो कोई भी आर्मी। तो यहाँ से गाइस यार मैं आर्मी को यूज़ कर देता हूँ, और जैसे गाइस यार यहाँ पे ब्लिम को भी यूज़ कर देता हूँ। ओके सो यार यहाँ से मैंने वार्डन को भी यूज़ कर दिया हीरोज को। ओके सो यार यहाँ से मैं सारे स्पेल्स को यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस यार हमारे जाएंगे सारे स्पेल्स और फ्रीज स्पेल यहाँ पे। ओके सो यार मैं काफ़ी जल्दी यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से गाइस यार आप लोग सोच सकते हो यहाँ पे हमने सारे फ्रीज स्पेल यूज़ कर दिया, और अभी गाइस यार यहाँ पर एक और यूज़ कर देते हैं और यहाँ पर एक और यूज़ कर देते हैं, देखते हैं गाइस यार क्या होता है। तो वैसे गाइस यार आपको पता है यहाँ पे 2 मिनट्स बचे हुए हैं, तो गाइस यार आपको क्या करना है, अपने आप पे ऊपर आना है और अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और गाइस यार आपको यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट 13 सेकंड इस अटैक में बचे थे अभी। तो अभी गाइस यार हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है। वैसे हम लोग ओपन करते हैं फिर से गेम को। सो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हो गेम हमारा ओपन हो रहा है, और कैसे यहाँ पे आप देखोगे हमारा अटैक फिनिश हो चुका है। और यहाँ पर गाइस यार टाइम जो है वो यहाँ पे लेस नहीं शो कराएगा, यहाँ पर जो टाइमिंग होगी पूरी यहाँ पे फुल शो होगी। और इसमें गाइस यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे जल्दी सारे ट्रूप्स स्पेल यूज़ कर दिए। मैं तो गाइस यार बस यहाँ पे एक्सप्लेन करना था गाइस यार ऐसे आप लोग इजीली यार टाइम बचा सकते हो अपना। जैसे गाइस यार आपको वॉर में अटैक करना रहता है तो आप इजीली इससे वॉर अटैक्स में आप जल्दी जल्दी अटैक कर सकते हो। ऐसे नहीं गाइस यार जैसे यहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर लो और कैंसिल कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके जो अटैक है अभी टाइम बचा और आपने सारे एबिलिटीज़ और जो भी गाइस यार स्पेल्स थे वो आपने यूज़ कर लिया परफेक्टली, तब यार आप यहाँ पे अपना डाटा ऑफ करके फिर से गाइस यार आप ये अटैक देखोगे तो यार फिनिश हो जाएगा। सो गाइस यार बढ़ते हैं टिप नंबर 2 में। तो गाइस यार आपको यहाँ पे सबसे पहले मोर सेटिंग में चले आना है, और मोर सेटिंग में आने के बाद गाइस यार आपको यहाँ पे डाउन स्क्रोल करना है, और उसके बाद से गाइस यार आपको यहाँ पे आ जाना है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। सो यार यहाँ पे आपको अटैक सेटिंग में आ जाना है, और जैसे गाइस यार आपको देख सकते हो न्यू यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया गया डिप्लॉयमेंट बार साइज, तो इस पर गाइस यार जैसे आप एडजस्ट करते हो ना तो यार यहाँ पे आप देखोगे ये आप स्मॉल और बिग कर सकते हो इजीली। गाइस यार जो भी यहाँ पे अटैक करते हो तो उसमें गाइस यार जो भी ट्रूप्स के जो भी डिप्लॉयमेंट बार साइज होता है तो उसको गाइस यार आप इसको यहाँ पे साइज यहाँ पे लेस और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस यार एक और ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे आपका था। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये न्यू चीज़ ऐड की गई है गेम में। तो गाइस यार ये अपडेट आपको कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। वैसे गाइस यार ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका जो स्क्रीन है यहाँ पे बड़ा है तो गाइस यार आपको और सारे ऑप्शन देखने को मिलने होंगे, और डबल साइज भी आपको यहाँ पे इनेबल करने को ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यार ये भी आप इनेबल कर सकते हो। तो वैसे गाइस यार हम नॉर्मल कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। सो गाइस यार नेक्स्ट जो टिप है वो है गाइस यार आपको फ्रेंडली आर्मी यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको पता है कोई चैलेंज करता है उस टाइम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट आर्मी पे जाके अपनी आर्मी एडिट कर सकते हो। बट यार यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू चेंज है, तो सबसे पहले गाइस यार आपको यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग में चले आना है, और उसके बाद से क्विक ट्रेन में आना है, और यहाँ पर गाइस यार यहाँ पे स्वाइप डाउन करना है, और उसके बाद से गाइस यार आप देखोगे फ्रेंडली आर्मी आपको सबसे नीचे दिख जाएगा। इसको गाइस यार आप लोग यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो, और उसके बाद से एडिट पे आओगे तो गाइस यार इजीली आप कितना भी टाइम लो आप एडिट कर पाओगे। तो गाइस यार ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सही है। पहले जो ये ऑप्शन होते थे यहाँ पे एडिट पे भी आ जाते थे, सेटिंग में आते थे, और अगर आपको यहाँ पे फ्रेंडली आर्मी चेंज करनी है तो इजीली गाइस यार कितने भी टाइम लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टिप है जो यार काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
सो गाइस नेक्स्ट जो टिप है वो है गाइस आर्मी के ऊपर। तो गाइस आपको पता है कि अपडेट आया और अपडेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस एक और चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है वो है गाइस आपको यहाँ पे आर्मी जो है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। कैसे आपको शेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे शेयर पे एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करते हो। तो जैसे आपको क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पे लिंक के थ्रू शेयर करना चाहते हो तो लिंक यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। क्लाइंट चैट में शेयर करना चाहते हो तो क्लाइंट चैट में शेयर कर सकते हो, या फिर चाहते हो गाइस आपको लिंक कॉपी हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी गाइस मैंने यहाँ पे क्लाइंट चैट पे शेयर कर दिया और एक और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बैक होके। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे हमने हमारी जो आर्मी यहाँ पे शेयर हो चुकी है और इजीली गाइस कोई भी इस आर्मी को कॉपी कर सकता है अपने बेस में। इवन मैं भी यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शंस कॉपी हियर के। तो गाइस इस पर आप क्लिक करते हो तो ये आर्मी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। इससे गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपको किसी को आर्मी शेयर करनी है। तो गाइस ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है जिससे आप आर्मी शेयर कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट जो टिप है वो है गाइस आपको यहाँ पे मोर सेटिंग में चले आना है। और मोर सेटिंग में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन अटैक सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा जो गाइस यहाँ पे है। आप देखोगे अटैक सेटिंग में नंबर थर्ड पे है ऑटोमेटिकली यूज हीरो एबिलिटी ऑन को। तो गाइस इसको अगर आप लोग इनेबल नहीं करते हो तो गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अटैक के बेसिस पे, और गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटैक यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं। कैसे आपको इफेक्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको गाइस हमेशा आपको ऑन करके रखना है जो गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। वैसे गाइस मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बट यार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे ऑन करके नहीं रखते। तो गाइस सिंपली मैं आपको एक सेटिंग यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको ऑफ करके मैं दिखाता हूँ। तो ये गाइस बेसिकली होता गया, तो मैं आपको एक अटैक मल्टीप्लेयर में करके दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वीन को यूज़ करेंगे, और जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वीन हमारी अटैक कर रही है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखोगे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अटैक कर रही है क्वीन। तो अभी इसको डैमेज लेने देते हैं, और यहाँ पर गाइस आप देखोगे क्वीन यहाँ पे डाउन हो गई और इसकी एबिलिटी यूज़ नहीं की, आपने यहाँ पे भूल गया और आपने यूज़ नहीं की। तो इससे गाइस क्या होगा, क्वीन यहाँ पे इजीली डाउन हो गई, उसकी एबिलिटी भी यूज़ नहीं की। इसको गाइस आपको ऑन करके रखना है हमेशा, यहाँ पे आपको ऑन करके रखना है। तो गाइस एक और अटैक कर लेते हैं और उसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हेल्पफुल होता है आपके अटैक्स में। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे वार्डन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वार्डन को गाइस मैं यहाँ पे किंग को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको गाइस मान लो आप अटैक करते हो और किंग को एबिलिटी यूज़ करना भूल गए बाई चांस, तो गाइस इसकी एबिलिटी जो होगी ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाए। इसकी जो एबिलिटी है वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हो। मान लो अटैक कर रहे हो आप लोग भूल जाते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी एबिलिटी ऑटोमेटिकली यूज़ हो गई। ये गाइजर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके अटैक्स में, और यार ये जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको ऑन करके नहीं रखते हैं, इसके बारे में नहीं जानते। तो गाइजर इसको यार आप ऑन करके रखो जिससे गाइजर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो यकीन करता हूँ गाइजर आज का जो वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कौन है अमेजिंग से वीडियो के साथ। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।